सबसे पहले हम एलियन जैसे इंटेलिजेंट जो देख रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अर्थ का जो प्राणी, हम ह्यूमन इंसान देख रहे हैं, तो हमें एलियन जैसा इंटेलिजेंट बनना होगा, तभी तो हम देश को आगे ले जा पाएंगे। तो हम देखेंगे आज का जो स्टडी, देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो देखेंगे हमने फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है फेडरल फीचर में, ड्यूअल पॉलिटी को दिखा रहा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा रहा है और भी अदर्स को दिखा रहा है, डिविजन ऑफ पावर्स को दिखाते हैं। और फेडरल फीचर्स के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हैं और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को भी दिखाते हैं और बिकमरलिज्म को दिखाते हैं। तो हम एक एक करके देख रहे हैं, देखेंगे ड्यूअल पॉलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ए ड्यूअल पॉलिटी सो कंसिस्टिंग ऑफ द यूनियन ऑफ द एट द सेंटर, जहाँ पर यूनियन सेंटर में होते हैं और स्टेट्स एंड द स्टेट्स एट द पेरीफेरी, एंड स्टेट्स इसके पेरीफेरी में होते हैं, जहाँ पर यूनियन सेंटर में होते हैं। ईच ऑफ ईच ईच इज एंडो विद सोवरेन पावर्स टू बी एक्सरसाइज इन द फील्ड ऑफ विल असाइंड टू देम रिस्पेक्टिवली बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सोवरेन पावर्स के बारे में बोल रहा है, जो एक्सरसाइज इन द फील्ड ऑफ असाइन टू देम रेस्पेक्टिवली बाई द कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वो काम करेगा, एक्सरसाइज करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यूनियन गवर्नमेंट डील करेगा मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस कौन सी है, लाइक डिफेंस, फॉरेन नेशनल के इंपॉर्टेंट जो है, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा को देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट भी देखते हैं, ऑन द अदर हैंड लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं, जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, रीजनल लोकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं, लाइक पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर क्या चल रहा है, हेल्थ क्या हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट क्या हो रहा है, तो उनको देखते हैं। इसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने ड्यूअल पॉलिटी देख लिया यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, इसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो लेंथीएस्ट, इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली इट कंटेंट द प्रीएम्बल, यहाँ पर 395 आर्टिकल्स एंड 222 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स था, 2008 शेड्यूल था, लेकिन 2016 में इसको बढ़ा के हमने प्रीएम्बल के अंदर 400, देखिए 395 से हमने 465 बढ़ाया, लगभग 70 हमने आर्टिकल बढ़ा दिया, एंड 22 पार्ट्स था, लाइक 3 पार्ट्स हमने इंक्रीज़ किया एंड 8 पार्ट्स था, 12 पार्ट्स कर दिया, मतलब 4 इंक्रीज़ कर दिया, 12 शेड्यूल कर दिया। तो इट स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, जो दिखाता है स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, पावर्स क्या है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, एंड प्रेस्क्राइब्स द लिमिट्स विद इन विच दे मस्ट ऑपरेट, जैसे इट अवॉइड मिस अंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू, जहाँ पर ये अवॉइड करते हैं मिस अंडरस्टैंडिंग क्या कहाँ पर हो रहा है उसको भी दिखाते हैं, उसको भी देखते हैं, कोई भी अगर मिस एग्रीमेंट मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिविजन ऑफ पावर, तो उसके बाद डिविजन ऑफ पावर, तो हमने देखा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में, तो हमने देखेंगे अब डिविजन डिविजन ऑफ पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स के बारे में, जहाँ पर डिवाइड पावर्स का डिवाइड हुआ है इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हम देख पाते हैं इन द 7th शेड्यूल के जो अंदर आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यूनियन लिस्ट में आते हैं 100 सब्जेक्ट आते हैं, ओरिजिनल 97 सब्जेक्ट आते हैं एंड स्टेट सब्जेक्ट के अंदर 60 सब्जेक्ट, लेकिन ओरिजिनली 67 सब्जेक्ट यहाँ पर बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कम हो जाते हैं, 100 से 97 ओरिजिनली, यहाँ पर 67 से ओरिजिनली 66 हो जाता है, और यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट, लेकिन ओरिजिनली कम हो जाता है, 47 आता है। बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन मेक लॉ, सेंटर एंड स्टेट लॉ बनाते हैं एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो आते हैं, एंड इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स एंड द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, यहाँ पर दैट इज व्हिच आर नॉट मेंशन, जहाँ पर रेसिडुअरी पार्ट्स को मेंशन नहीं किया गया इन द 3 लिस्ट के अंदर, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट, जो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, सॉरी, यस, हाँ यहाँ पर देखिए 100 यूनियन लिस्ट, स्टेट इज एंड कंकरेंट लिस्ट में नहीं दिखा रहा है।
आर गिवन टू द सेंटर, सेंटर को दिया दिया हुआ है ये बस, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम, द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, जो हाईएस्ट है, द लॉज इनेक्टेड बाई द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट कन्फर्म टू इट्स प्रोविजन, जहाँ पर इनेक्ट किया गया सेंटर एंड स्टेट्स को मस्ट कन्फर्म टू इट्स प्रोविजन को कन्फर्म किया जाए, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसको नहीं तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थ्रू देयर पावर, उनका पावर है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, ठीक है, मतलब उसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, उसका लॉ मानना ही होगा स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, अदरवाइज इनवैलिड बाई द सुप्रीम कोर्ट कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे और हाई कोर्ट्स, दस द ऑर्गन ऑर्गन्स और द गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल एट बोथ द लेवल मस्ट ऑपरेट विद इन द ज्यूरिडिक्शन प्रेस्क्राइब बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जिसको प्रेस्क्राइब करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेस्क्राइब कर देंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए द डिवीजन ऑफ पावर्स एस्टेब्लिश बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेंटेन ओनली बाई इफ द मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज रिजिड, हिंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड टू द एक्सटेंट दैट दोज प्रोविजंस व्हिच आर कंसर्न विद द फेडरल स्ट्रक्चर, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड को बोल रहा है एंड टू द एक्सटेंट ऑफ दोज प्रोविजंस व्हिच आर कंसर्न टू द फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है, लाइक सेंट्रल एंड स्टेट सेंट्रल स्टेट स्टेट को दिखाते हैं, रिलेशंस को दिखाते हैं एंड जुडिशियल ऑर्गेनिज्म को, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट को रिले स्टेट का रिलेशन एंड जुडिशियल ऑर्गेनिज्म को दिखाते हैं, कैन बी अमेंड जिसको अमेंड किया गया ओनली ज्वाइंट एक्शन में, ज्वाइंट एक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट एक्शन में लिया गया है, सच प्रोविजन को रिक्वेस्ट फॉर देयर अमेंडमेंट्स स्पेशल मेजोरिटी में लिया गया है बिफोर द पार्लियामेंट एंड सो एल्सो अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बारे में वह बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को एस्टेब्लिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हेड बाय जो सुप्रीम कोर्ट हेड होता है फॉर टू पर्पज के लिए, टू प्रोटेक्ट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाई द एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड टू इन दू सेटल द डिस्प्यूट, जहाँ पर डिस्प्यूट को भी सेटल दिखाते हैं, टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का डिस्प्यूट दिखाते हैं बिटवीन द स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वेरियस मेजर्स को भी कंटेन करते हैं, वेरियस मेजर्स को भी दिखाते हैं, लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेनर ऑफ टू जज, सिक्योरिटी टेनर को भी दिखाते हैं जज का, ऑन फिक्स सर्विस कंडीशन को भी दिखाते हैं एंड ऑन टू मेक द जुडिशियरी जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट करते हैं, स्वाधीन कराते हैं गवर्नमेंट के अंदर, बी कैमरलिज्म इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बी कैमरल लेजिस्लेचर को भी दिखाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस, अपर हाउस राज्यसभा, जहाँ पर राज्यसभा अपर हाउस होते हैं एंड लोअर हाउस लोकसभा होता है, राज्यसभा रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और इंडियन फेडरेशन को, स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन को लोकसभा रिप्रेजेंट करते हैं पीपल ऑफ इंडिया जो होल पीपल को दिखाते हैं, राज्यसभा इवन थ्रू ए लेस पावरफुल चैम्बर लेकिन राज्य टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स को इंटरेस्ट को देखते हैं राज्यसभा अंडर द इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर, सेंटर के इंटरफेरेंस में, ऑन द अदर हैंड इसके बाद हमने यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो बी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के बारे में हमने देखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग अपर हाउस राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा, जहाँ पर राज्यसभा के बाद हो रहा है, तो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर लिए, तो इसके बाद हमने डिस्कस करेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।